10 जुलाई 2022 को अमन सद्भावना शिक्षण प्रशिक्षण कल्याण समिति द्वारा साईखेड़ा विकासखंड के गाडरवारा में मैथिली फिजियोथेरेपी सेंटर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर गणेश मैथिली, डॉक्टर अमृता सोनी एवं डॉक्टर मेहलम हुसैन द्वारा 50 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, साथ ही लोगों को फिजियोथेरेपी दी गई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि आनंद दुबे समाज सेवी एवं कृष्णकांत चौक से मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, आप शिविर में आज कितने पेशेंट देखे आप? 40 पेशेंट। किस किस प्रकार के पेशेंट थे ये? जोड़ दर्द, कमर दर्द, साइटिका, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। और कुछ जांच भी हुई? हाँ, जाँच है, खून की जांच, हीमोग्लोबिन। लगभग कितने पेशेंट हो गए हुए सब मिला के? करीब करीब 40-50 पेशेंट। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी में आपने कितने पेशेंट देखे आज? फिजियोथेरेपी में कम से कम आज 30-40 पेशेंट देखे गए हैं, जिसमें से बहुत से सियाटिका वाले केसेस की जो संख्या रही वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रही है। और उसके बाद सियाटिका के बाद जो सीपी चाइल्ड बच्चे हैं 4-5, वो और महिलाओं में कुछ समस्याएं होती हैं बैक पेन की, तो वो देखी गई हैं, तो उनका ट्रीटमेंट आज प्रॉपर तरीके से किया गया है। खासकर आजकल कुछ बच्चे ऐसे आए हैं जो जिनको प्रॉब्लम शुरू से है और पहले से है, मगर वो ट्रीटमेंट कराने अब आ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों को आपको प्रॉब्लम है बच्चों को, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते रहें उनका। अगर आपको लगता है कि ये बच्चे चल नहीं पा रहा है, उनकी मसल्स की टोन बढ़ी हुई है या घटी हुई है, तो आप प्रॉपर गाइडलाइंस लें, आप फिजियोथेरेपी कराएँ। यही मैं सबको देना ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे जाएं, जो कोई भी सेंटर आप जहाँ भी रह रहे हैं आसपास के फिजियोथेरेपी सेंटर जाएं और उनका प्रॉपर इलाज कराएं।